असफाई जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने पूरे जिले भर में आज आयुक्तालयों के नाम चिट्ठी प्राचार्यों एसडीएम तहसीलदारों के मार्फत से आयुक्तालय में चिट्ठी भेजी है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के राजकीय महाविद्यालय एनडीवी में जिस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष पर जिसको बेवजह निलंबन करना, झूठे मुकदमा करना और टीसी काट करके घर भेजने की बात के सब निंदा की है और दोषी जो व्याख्याता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने मांग की। आपकी बात को दबाने के लिए, आपकी गंदी नीतियां, गंदी पॉलिसियां, गंदी हरकतें दबाने के लिए आप एक छात्र संघ अध्यक्ष जो विद्यार्थी ने चुना है अपनी जायज मांग को लेकर के वो विद्यार्थी गए थे, विद्यार्थी की बात को न मानना, उस पर झूठे मुकदमे लगाना और निलंबन करना, ये ठीक नहीं है। हम कहना चाहते हैं लावारिस नहीं है छात्र संघ अध्यक्ष, विद्यार्थी ने वोट दे करके चुन करके फिर बनाया छात्र संघ अध्यक्ष। आयुक्तालय को चिट्ठी भेजी है आज गवर्नमेंट अनम कॉलेज प्राचार्य के मार्फत, आयुक्तालय को यहाँ की हनुमानगढ़ की तहसील इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया है और आज काला दिन हमने मनाया है कि जिस तरीके से कोई विद्यार्थी को कोई बात करने वाला होता है तो उसके अंदर चुनाव की रंजिश एक अध्यापक को नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ी श्रम की बात है जिस तरीके से रंजिश रख करके विद्यार्थी के ऊपर हमला करना, ये ठीक नहीं है। छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन वापस लेने व अन्य मांगों को लेकर एसएफआई ने किया है प्रदर्शन। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा नौहर के श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष और व्याख्याता के बीच में हुए विवाद को लेकर झूठा मुकदमा करवाया गया है। अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, द्वेषता के कारण यह किया गया है। इन बातों को लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सुविधाओं को बढ़ाने का जिक्र भी इस ज्ञापन के अंदर किया गया है। आइए सुनते हैं कि पदाधिकारियों का इस मौके पर और क्या कहना है। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में तहसील कमेटी एसएफआई जो कि पूरे ज़िले में आज जिस तरह से नोर में प्रकरण हुआ, छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थियों का चुनाव हुआ प्रतिनिधि जो विद्यार्थियों के काम के लिए एक व्याख्याता के पास जाता है और व्याख्याता के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है और छात्र संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट की जाती है, हम इस जो प्रकरण है इसकी निंदा करते हैं। और राजनीतिक द्वेषता चुनावी रंजिश के कारण एक व्याख्याता द्वारा जो छात्र संघ अध्यक्ष की आवाज़ को दबाना, छात्र छात्राओं के काम नहीं करना उसके और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कतई ठीक नहीं है। इसकी हम पूरे ज़िले में आज इसके विरोध में हमने पूरे ज़िले में कार्यक्रम रखा जिसके तहत आयुक्तालय के नाम चिट्ठी भेजी, एसटीएम करालय तहसीलदार और प्राचार्य के मार्फत राज के राजकीय नर मेमोरियल महाविद्यालय एवं तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन कर हमने ये चिट्ठी भेजी आयुक्तालय के नाम कि इस तरह की प्रकरण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस तरह झूठे मुकदमों से उनको बरी किया जाए और छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन जो किया है जो मनमानी कर उसको रद्द किया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उसके साथ हमारी ये मांग है कि राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ में भी पूरी जो बिल्डिंग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसलिए इन मांगों को लेकर आज हमने प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि मांगें जल्द से जल्द सुने और निलंबन रद्द किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन का आगाज पूरे राजस्थान में असफाई करेगी।